आदाब, मैं हूं महताब और आप देख रहे हैं द वायर उर्दू का ये फेसबुक लाइव। आज के फेसबुक लाइव में हम बात कर रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी के फिलिस्तीन दौरे के बारे में। वो गुज़िश्ता दिनों वो फिलिस्तीन गए थे, उससे पहले इसराइल भी गए थे और फिलिस्तीन गए और मिडिल ईस्ट होते हुए गए थे। उस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि ये पहले वजीर आजम है, हिंदुस्तानी वजीर आजम है जिन्होंने जो वहाँ फिलिस्तीन गए। तो हम हमारे साथ इस मौजू पर बात करने के लिए दवायर के बानियान में से एक सिद्धार्थ वराजन मौजूद हैं। सिद्धार्थ से हम बात करेंगे कि जो वजीर आजम का ये दौरा है उसके क्या असरात मुरतब होंगे और जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिस तरह से उसके बारे में बातें हो रही हैं, वो जो है कहाँ तक सही है, उसकी तफसीलात क्या है। सिद्धार्थ, पहला सवाल ये है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो दौरा है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, वो किसी हिंदुस्तानी वजीर आजम का पहला दौरा था? इस पर एक अच्छा विवाद छिड़ चुका है, कंट्रोवर्सी छिड़ चुका है, क्योंकि आप तो अच्छी तरह जानते हैं और नाजरीन को भी शायद ये बात वो देख रहे हैं जी कि मोदी साहब अक्सर और मोदी साहब से ज्यादा उनके जो सपोर्टर्स हैं अक्सर ये कहा करते हैं कि पहली दफा कुछ हुआ है, पहली दफा कुछ कर रहे हैं। दरअसल में 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू गजा पट्टी गए, वहां पे 1956 के इजिप्ट इसराइल जंग के बाद क्योंकि वो डिफैक्टो एक बॉर्डर बन गया बिटवीन इसराइल एंड इजिप्ट, तो वहां का जो एक तरह से टेंशन पे काबू पाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने पहली दफा एक एक्सपेडिशन फोर्स इमरजेंसी फोर्स UNEF तैनात किया 1960 में जी। और वहां पे एक इंडियन जनरल थे जनरल ज्ञानी साहब जो इंडियन ट्रूप्स के कमांडर थे और उनसे मिलने के लिए 1960 में नेहरू साहब यूरोप के दौरा खत्म करने के बाद गजा गए, जिसके फोटोज भी सर्कुलेट हो रहे हैं, फोटो सर्कुलेट हो रहे हैं 1960। बल्कि गजा के बाद उनको जाना था बेरूत जी, और बड़ी दिलचस्प कहानी है कि जब वो गाजा से बेरूत बाय अपने एयरक्राफ्ट से जा रहे थे, एयरफोर्स का उनका अपना जहाज था, तो इजरायली एयरफोर्स ने उनका पीछा किया जी। ये भी कहा जाता है कि इजरायली एयरफोर्स ने एक थ्रेटनिंग अंदाज में पीछा किया और लग रहा था इंडियन ऑफिशियल्स को कि कहीं ये नेहरू साहब के प्लेन को फोर्स करने की कोशिश करने की, आप नीचे उतरो जी। लेकिन हमारे जो पायलट हैं वो चलते रहे और गाजा से बेरूत वो पहुंच गए, नेहरू साहब सही सलामत वहां पे पहुंचे और फिर उनका वहां पे दौरा खत्म होने के बाद हिंदुस्तान लौटे। तो पहली दफा फिलिस्तीन की सर जमीन पे अगर किसी वजीर आजम ने पैर जमाया है तो वो नेहरू साहब थे। ये अलग बात है कि एक ऑफिशियल विजिट नहीं था, फिलिस्तीन उस तरह से एक स्टेट के हैसियत से हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज नहीं किया, लेकिन पैलेस्टाइन लैंड टेरिटरी में उनका पहला कदम था। तो आप ये कह रहे हैं कि ऑफिशियली वो नहीं गए थे जी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले वजीर आजम है जो ऑफिशियली जो है हिंदुस्तान से फिलिस्तीन गए जी, ये कहना जी, ज्यादा मुझे और वैसे भी मैं उनके दौरे को कम या नीचा नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हिंदुस्तान के वजीर आजम रमल्ला गए, फिलिस्तीन गए, ये अच्छी बात है जी। मुझे लगता है कि कई साल पहले हिंदुस्तान के किसी वजीर आजम को जाना चाहिए था। नरसिम्हा राव साहब नहीं गए, अटल बिहारी वाजपेयी, गुजराल, देवगौड़ा, इनमें से किसी ने वहां पे जाने की कोशिश नहीं की। डॉक्टर साहब भी नहीं गए, 10 साल वो वजीर आजम रहे। ये अलग बात है कि इनमें से किसी ने इसराइल का भी दौरा नहीं किया। मोदी साहब पहली दफा एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इसराइल भी गए और अब फिलिस्तीन गए। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से अच्छी बात है, क्योंकि फिलिस्तीन के लोगों के साथ एक अच्छा खासा हमदर्दी हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में, और हम चाहते हैं कि ये ताल्लुकात और बेहतर हों और हिंदुस्तान ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें फिलिस्तीन की जो अपनी जद्दोजहद है एक इंडिपेंडेंट वायबल यूनाइटेड स्टेट को बनाने के लिए, और फिलिस्तीन में भी लोग उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान सपोर्ट करेगा, तो इसीलिए ताल्लुकात बेहतर हों, विजिट्स और हों,
ये एक अच्छी बात है, लेकिन पहला विजिट हिस्टोरिक उस तरह से थोड़ा सा हमको संयम, थोड़ा सा रिस्ट्रेंट रखना चाहिए कि किस तरह से हम इस चीज को एडवाइस करें। एक सवाल जिसके जिसमें बहुत ज्यादा कोई बातचीत नहीं हुई वो ये कि वजीर आजम जो है वो इसराइल भी गए थे और वहाँ जितनी मुद्दत उन्होंने गुजारी और जो फिलिस्तीन में उन्होंने जो मुद्दत गुजारी अगर उसको देखें तो वो इतना डिस्पोर्शनेट है कि वहाँ 3 दिन का वक्त और यहाँ सिर्फ 3 घंटे का वक्त गुजारा है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये अंग्रेजी में कहावत है कि यू डू द मैथ्स, मतलब कि आंकड़े खुद जो है वो अपनी कहानी बताते हैं कि आप इसराइल जो है 3 दिन के लिए गए, नेतन्याहू साहब जब हिंदुस्तान आए तो 6 दिन यहाँ पे रुके, बल्कि इसराइल में लोग परेशान थे कि हिंदुस्तान में इतनी लंबा जो है उनका दौरा क्यों चल रहा है। लेकिन जब हमारे वजीर आजम का वक्त आया फिलिस्तीन जाने के लिए तो 3 दिन, चलिए 2 दिन 1 दिन तो जाते हैं, लेकिन कहाँ 3 दिन कहाँ 3 घंटे। पहले तो मुझे यकीन नहीं आता, बल्कि एक तरह से इसको आप न्यूज मैनेजमेंट कह लीजिए कि तमाम जो रिपोर्ट्स इंग्लिश हिंदी उर्दू में छपे हैं किसी ने तफसील में अपने रीडर्स को नहीं बताया कि कितना वक्त, चलिए पहला विजिट है आप हिस्टोरिक विजिट कह रहे हैं लेकिन मोदी साहब ने कितना वक्त वहां पे स्पेंड किया। तो फाइनली एमईए के वहां उनके जो प्रेस रिलीज आते हैं उनका मोदी साहब का टाइम टेबल खोल के हमने देखा कि भाई 10:10 में पहुंचे अम्मान से और 1:10 पे वहां से फारिग हो गए, निकल गए, उनका हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया। तो कुल 3 घंटे, मुझे लगता है कि ये अपने में कहानी बताता है कि मोदी साहब शायद एक औपचारिक, एक फॉर्मल, एक टोकनिस्टिक, एक तरह से ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन वो हमेशा उनके मन में शायद ये बात रही है कि ज्यादा सियासी वजन इस विजिट में ना हो। और हिंदुस्तान, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक डोमेस्टिक ऑडियंस की ओर भी जो है मोदी साहब इशारा देना चाहते हैं कि भाई फिलिस्तीन के बारे में मेरी हमदर्दी है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की आबादी जो है वो एक फिलिस्तीन पसंद जो है रुझान है हम लोगों का। तो हो सकता है कि ये भी उनका एक पॉलिटिकल, डोमेस्टिक पॉलिटिकल मोटिव था, क्योंकि वहां जाके सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे रुकना। और अभी तक तो हमने उस विजिट के सियासी कंटेंट के बारे में बात नहीं किया, उस पर भी हमको, तो अगर हम थोड़ा उसके सियासी कंटेंट पर बात करें और ये देखने की कोशिश करें कि जो हिंदुस्तान का पोजीशन रहा है फिलिस्तीन को लेकर के एक यूनाइटेड वायबल फिलिस्तीन हो, उस पर ये जो दौरा रहा है वो कुछ आगे बढ़ा है या उससे पीछे आया है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं इन चीजों के हवाले से इस विजिट को बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखता हूँ, क्योंकि लंबे अरसे से हिंदुस्तान, हुकूमत हिंद का मौकिफ रहा है कि भारत, हिंदुस्तान इंडिपेंडेंट, सॉवरन, यूनाइटेड, वायबल पैलेस्टाइन के फेवर में है, मतलब आजाद, खुद मुख्तार, मुत्तहिद और एक ऐसा मुल्क जो जिंदा रहने के काबिल हो। और ये आखिरी वाला जो क्राइटेरिया है ये सबसे, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अहमियत इसको दी जानी चाहिए, क्योंकि पिछले जब से इसराइल फिलिस्तीन का विवाद शुरू हुआ, डिस्प्यूट शुरू हुआ, तब से जो है इसराइल और भी लोग कोशिश करते रहे कि भाई चलो फिलिस्तीन हम बना तो लेंगे लेकिन एक इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी कि वो जिंदा नहीं रह पाएंगे, उनकी जमीन, उनका पानी डिटैच करके हम इसराइल के साथ जोड़ देंगे जैसे उनके बड़े सेटलमेंट्स हैं। इसलिए हिंदुस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी, बैन अल-अक़वामी लेवल पे लोगों का हमेशा कहना था कि फिलिस्तीन जब बनेगा उसकी शक्ल एक यूनाइटेड वायबल स्टेट की होनी चाहिए। मोदी साहब का वहां पे जो तकरीर थी, वहां पे अबू मजन जो महमूद अब्बास साहब की हाजिरी में जो उन्होंने वहां पे बयान दिया, उन्होंने ये तो कहा कि भाई हिंदुस्तान चाहता है कि फिलिस्तीन एक आजाद और खुद मुख्तार, इंडिपेंडेंट और सॉवरन देश के रूप में बने पीसफुल तरीके से। लेकिन ये मुझे लगता है कि उन्होंने बात को ये एक महदूद, मतलब कि लिमिटेड फॉर्मुलेशन उन्होंने दिया, क्योंकि जो बाकी चीजें हैं, यरूशलम का जिक्र नहीं किया, मतलब हिंदुस्तान का हमेशा मौकिफ रहा है कि एक आजाद, खुद मुख्तार, यूनाइटेड, वायबल कंट्री विद ईस्ट जेरूसलम एज इट्स कैपिटल, मतलब
कि फिलिस्तीन का जो कैपिटल सिटी होगा वो ईस्ट जेरूसलम। और ये सिर्फ ये महज कुछ अल्फाज नहीं है, मैं नाजरीन को समझाना चाहता हूं कि इन लफ्जों के पीछे एक बहुत गहरा सियासी एक हकीकत है, वो ये कि इसराइल फिलिस्तीनी जमीन को कब्जा लेके बैठा हुआ है, और कब्जा करने के बाद पूरी तरह से इसराइल कोशिश कर रहा है कि जो चुनिंदा जो फिलिस्तीनी जो जमीनें हैं जहां पे पानी एक्वीफर्स अंडरग्राउंड जो पानी का जो सोर्स रहता है, इनको किसी न किसी तरीके से काट के इसराइल के साथ जोड़ दिया जाए। उन्होंने इतने बड़े सेटलमेंट्स बनाए जहां पे इसराइली नेशनल्स को फिलिस्तीनी जमीन पे बसाया है, जो इंटरनेशनल लॉ का एक वायलेशन है। इसीलिए हिंदुस्तान का हमेशा वाकिफ रहा है कि भाई फिलिस्तीन इंडिपेंडेंट स्टेट तभी बन सकता है जब तमाम जो जमीनें जिन पे इसराइल ने कब्जा किया है वेस्ट बैंक और गाजा में, ये फिलिस्तीन के लोगों को वापस लौटाया जाए। तो मोदी साहब का रमल्ला जाके एक लिमिटेड जो है फॉर्मुलेशन वहां पे देना, और खास तौर पे यूनाइटेड और वायबल इन दो लफ्जों को ड्रॉप करना, कहीं ना कहीं इशारा दे रहा है कि हिंदुस्तान की जो आज मोदी हुकूमत है, इन्होंने इसराइल और ट्रंप का जो एक फॉर्मुलेशन है कि भाई जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं कि पीस प्रोसेस बने, उसके फेवर में मुझे लगता है कि मोदी साहब हिंदुस्तान को ले जा रहे उस दिशा में, और ये मुझे लगता है कि बहुत खतरनाक एक डेवलपमेंट है। और अफसोस की बात है कि आपने मौकिफ को डाइल्यूट किया वहां जाके, अगर ये काम करना ही था तो दिल्ली में बैठकर कर लेते, लेकिन वहां जाके वहां फिलिस्तीन के लोगों की जो सबसे अव्वल जो अवार्ड है कॉलर ऑफ पैलेस्टाइन, उन्होंने आपको दिया, आपको उस अवार्ड से नवाजा गया क्योंकि उनकी समझ में हिंदुस्तान पूरी तरह से उनके एस्पिरेशंस को सपोर्ट कर रहा है, और वहां जाके जो है आपने एक ऐसी बात कर दी। तो ये मुझे लगता है कि इस विजिट के की जो सियासी असलियत है, ये अफसोस की बात है कि हमारे अखबारों में ठीक तरह से पेश नहीं किया गया, खासतौर पर उर्दू अखबारों में ये बात तो शायद उठाई नहीं गई। हम अगर उर्दू अखबारों को देखने की कोशिश करें तो जो सबसे लीडिंग अखबार है उसमें भी हेडिंग ये है कि जो वजीर आजम फिलिस्तीन के आला तरीन एजाज से सरफराज, इसका जिक्र है, इनकलाब में जो लीड खबर है। या फिर हम दूसरे अखबार को अगर सहाफत को देखने की कोशिश करें तो उसमें है कि फिलिस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क देखना चाहता है हिंदुस्तान, और लेकिन जो चीज़ इसमें मिसिंग है, या फिर तीसरा अखबार अगर हम सहारा का है उसमें भी यही खबर है कि मोदी को फिलिस्तीन का सबसे बड़ा एजाज, लेकिन जो इसकी सियासी मानवीयत है और इसके पीछे जो सियासत है उसका जिक्र जो है तफसील से हमें नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा पहलू है। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? क्या जो जर्नलिस्ट हैं या जो मीडिया हाउसेज है उसमें समझदारी की कमी है या कुछ और चीज है? देखिए, समझदारी की कमी तो है ही, क्योंकि जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं पूरी तरह से ये एक इसको डी प्रायोरिटाइज कर दिया, इसकी कोई अहमियत नहीं रही हमारी मीडिया में, सिवाय पाकिस्तान, चीन और अमेरिका, इन तीन ममालिक की खबरें आती हैं खासतौर पे हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से या जहां एनआरआई बसे हुए हैं, लेकिन बाकी आप देखिए सारा जो मग़रबी एशिया है या इसराइल फिलिस्तीन का भी इशू ले लीजिए, पर्शियन गल्फ का इशू ले लीजिए, वहां पे कितना हमारा ओरिजिनल रिपोर्टिंग है? बहुत कम। और यहां मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ, मैं किसी अखबार के खिलाफ इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन खबरों को इस तरह से पेश करना और अपने जो है रीडर्स से इस बात को छुपा देना कि मोदी साहब आजाद और खुद मुख्तार तो बोल दिए, लेकिन यूनाइटेड पैलेस्टाइन, वायबल पैलेस्टाइन, इन लफ्जों को उन्होंने ड्रॉप कर दिया, क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप इस बात को भी आप अपने रीडर्स तक पहुंचाएं? जाहिर है कि सरकार इस बात को जो है इस बात पर हाईलाइट नहीं करेगा क्योंकि जो आपके मौकिफ में बदलाव आया है ये इसराइल को आपने समझा दिया और इसराइल अच्छी तरह से समझ चुका है। ट्रंप
ने समझ लिया वो भी अच्छी तरह, वो शायद आपकी तारीफ भी कर रहा होगा, लेकिन आप हिंदुस्तान के अवाम से इस बात को छुपाना चाहते हैं, आप हिंदुस्तान के अवाम को ये समझाना चाहते हैं, ये एक तरह से एक दिखावा है कि देखो हम रमल्ला गए, हम अबू अमर यसर अराफात का जो वहां पे मेमोरियल है वहां पे जाके मोदी साहब ने फूल चढ़ाए, तो ये एक तरह से आप इमोशनल अपील कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों को कि हम पूरी तरह से फिलिस्तीन के लोगों के पीछे खड़े हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। तो सरकार का ये एक स्ट्रेटजी होना एक बात है, लेकिन मीडिया इस बात को क्यों एक्सेप्ट करे? मुझे लगता है कि इसलिए ये जो हम बात कर रहे हैं और द वायर में जिस तरह से हम इस चीज को कवर कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम लोग पहुंचाएं। शुक्रिया सिद्धार्थ हमसे बात करने के लिए। नाजरीन आपका भी शुक्रिया, हम फिर हाजिर होंगे एक अगले फेसबुक के लाइव के साथ एक नए मौजू के साथ। तब तक आप खबरों, तज़ियात और ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए thewireurdu.com पर जा सकते हैं।